स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम नया मोगरा से दो नाबालिग अचानक लापता हो गई, जिनकी तलाश जारी है। स्टेशन रोड थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक आरिफ खान ने बताया कि समीपस्थ ग्राम नया मोगरा में से शिकायत दर्ज कराने आई महिला ने बताया कि रविवार शाम इनकी 16 वर्षीय बच्ची घर से शौच जाने निकली थी, जो कि देर शाम तक घर नहीं लौटी। शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरी घटना में भी उसी ग्राम की एक और 14 वर्षीय बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई है। दोनों मामलों में बच्चियों की जानकारी प्राप्त हुई है। टीम का गठन कर उक्त स्थान पर जाकर दस्तयाब की कार्रवाई की जाना है। शीघ्र ही परिजनों को उनकी बेटियां सौंप दी जाएंगी। अगर मामले में कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित पाया जाता है तो उचित कार्रवाई भी की जाएगी। शाम को ग्राम मोगरा से कमला पति विनोद मवासी उसकी बच्ची के घूमने की रिपोर्ट करने आई थी। जो बच्ची उसकी लेटरिन जाने का बोल के निकली थी, तो घर वापस नहीं आई, तो उसमें मामला कायम कर विवेचना में लिया गया है। एक और बच्ची ग्राम मोगरा की घूमने की रिपोर्ट आई, जिसमें फरियादी राधाबाई पति बंसीलाल ने भी बताई कि उसकी बच्ची लेटरिन जाने का बोल के निकली थी घर से, जो लौटी नहीं। उसकी भी रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। पिपरिया से पंकज पाल की रिपोर्ट।